चलें इसी के साथ अशोक शुक्ला जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। कौन सी प्रमुख सुर्खियां हैं आज? सपना, विंध्य प्रदेश के जो 5 बड़े जिले हैं वो कोरोना संक्रमण के मामले में शीर्ष पर बने हुए हैं। आज ये खबर जो है भास्कर ने दी है, फ्रंट पेज पर जो कोरोना संक्रमितों का एक चार्ट उन्होंने प्रकाशित किया, उसमें विंध्य प्रदेश के 5 जो जिले, उसमें सतना भी है, रीवा है, सिंगरौली है, ये बड़ी खबर है। साथ में यहाँ विंध्य प्रदेश के एक बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के 5 बार के विधायक बागेल जी का कल निधन हो गया है, ये खबर है। लेकिन उनके जी संबंध में एक भ्रामक जानकारी भी जो है अखबारों ने प्रकाशित की है कि वो उमा भारती के मंत्रिमंडल में राजमंत्री थे, जबकि वास्तविकता ये है कि 2006 में उन्हें जो है शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। वृद्धजनों के लिए एक हेल्पलाइन की शुरुआत यहाँ की पुलिस ने की है। अब घर बैठे लोग जो है, पुलिस का एक हेल्पलाइन नंबर है जिसपे वो फोन करके अपनी जरूरत की चीजें मंगा सकते हैं। खासतौर पे जी दवाइयों के इंतजाम जो है अब पुलिस करेगी, घर बैठे जो वृद्ध हैं वो उनकी मदद में पुलिस आगे आई है, ये एक अच्छी खबर है। और सिंगरौली की एक खबर आपको बतला दूं कि वहां पर फुटकर जो खुदरा व्यापारी हैं, सब्जी के व्यापारी हैं, उनके जी और पुलिस के बीच में एक भिड़ंत होती है जिसमें कल जो है पुलिस वालों को वहां से खदेड़ दिया जाता है। ये सब्जी और फलों के कारोबारी थे, इनका कहना ये था कि यदि हम ये सब्जी और फलों को हम खेत से तोड़कर बेचने नहीं जाएंगे तो एक जी तो हम भूखों मर जाएंगे, दूसरा हमारा बड़ा नुकसान होगा। मैहर में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है जिसके लिए जनता के सहयोग से वहां पे 47 लाख रुपए की राशि जो है एकत्रित की गई है। ये एक अच्छी पहल है जन भागीदारी से वहां पे एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जी कोशिश हो रही है। और जिस तरह से अब गाँवों में संक्रमण फैल रहा है तो वो भी एक खबर जो है जो भास्कर और पत्रकार दोनों ने दी, उसमें ये बताया गया है कि प्रदेश के सतना जिले की 692 में से 678 जो ग्राम पंचायतें हैं वहां कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। इसी तरह सिंगरौली की 316 ग्राम पंचायतों में से 301 में कोरोना कर्फ्यू लगाने की बात चल रही है। किसानों का एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जनवरी से चल रहा है और वो अभी भी जारी है, ये भी एक बड़ी खबर है। जब कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है पूरे जिले में तब किसानों का धरना प्रदर्शन बदस्तूर बना हुआ है। जी आज जो विधायक है हमारे जो रहगांव के 5 बार के विधायक है जो बागरी जी का, उनका अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम गोपालपुर में किया जाएगा, ये एक खबर है। और चलते चलते मैं आपको एक खबर और बता दूं कि ये जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार है वो कोरोना कर्फ्यू की वजह से थोड़ा नीचे आई है, लेकिन अभी भी जो है विंध्य प्रदेश के 5 जिले जो हैं कोरोना संक्रमण के मामले पर शीर्ष पर बने हुए हैं। बिल्कुल, चलें बहुत शुक्रिया आपका।